अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ अब हिंसक हो चुकी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक चुनावी रैली के दौरान गोली चलाई गई। ट्रंप की जान बाल बाल बची क्योंकि गोली उनके कान को चीरते हुए निकल गई। इस घटना के बाद अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हंगामे का दौर जैसे शुरू हो गया है। वहीं ट्रंप पर इस जानलेवा हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्र के नाम संबोधन भी किया है। इस हमले ने एक पल में अमेरिका के लिए बहुत कुछ बदल दिया। ट्रंप के समर्थकों में अब नाराजगी है। डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव प्रचार फिलहाल के लिए थम गया है और भविष्य में संभावित राजनीतिक हिंसा की आशंका पैदा हो गई है। कान से बहता खून और हवा में मुट्ठी उठाए ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों ने हमले के बाद हीरो करार दे दिया है। घायल हालत में उनके मुंह से सिर्फ एक बात निकली और वो थी फाइट फाइट एंड फाइट। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस हमले का फायदा रिपब्लिकन पार्टी को मिलेगा। दरअसल कुछ रिपब्लिकन पहले से ही ट्रंप के बयानों से भड़के हुए थे। ट्रंप का विरोध करने वाले साउथ कैरोलिना के एक रिपब्लिकन कार्यकर्ता चिप फेल्किन ने कहा है कि अगर देश पहले बारूद का ढेर नहीं था तो अब है। डेमोक्रेटिक रणनीतिकार ब्रैड बैनन ने कहा है कि गोलीबारी से ट्रंप को राजनीतिक रूप से फायदा हो सकता है क्योंकि ये उनके कैंपेन को बढ़ावा देगा कि देश गलत रास्ते पर है। बैनन ने कहा, हत्या का प्रयास ट्रंप के प्रति सहानुभूति पैदा करता है। ये वोटर्स को ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस देश में बुनियादी तौर पर कुछ गलत है। ये सोच ट्रंप के लिए समर्थन को बढ़ावा देगी। गोलीबारी के कुछ घंटों के भीतर ही ट्रंप के कैंपेन की तरफ से एक मैसेज भेजकर वोटर्स से कैंपेन में अपना योगदान देने के लिए भी दूसरी तरफ कहा गया है। इस मैसेज में कहा गया है, वो मेरे पीछे नहीं पड़े हैं, वो आपके पीछे पड़े हैं। एलन मस्क और बिल एक्मैन ने भी ट्रंप का समर्थन किया है। मस्क एक्स पर लिखते हैं, मैं राष्ट्रपति ट्रंप का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की भी आशा करता हूं। अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में आगे आ रहे हैं। यह हमला अमेरिका की सियासत में एक बड़ा उलटफेर पैदा कर सकता है या फिर ये कहें कि कर चुका है। तो आप किस खबर पर क्या राय है? क्या सच में अमेरिका की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।